कुछ और खबरों का, नई दिल्ली से इस वक्त खबर मिल रही है जहां भारत में नए कोरोना स्ट्रेन का खतरा मंडरा रहा है। यूके से लौटे 20 लोगों में नया कोरोना का स्ट्रेन मिला है। इससे पहले कल ही की बात है जब मंगलवार को 6 लोगों में नया कोरोना का स्ट्रेन मिला था, और अब खबर मिल रही है यूके से लौटे 20 लोगों में नया कोरोना स्ट्रेन मिला है। भारत में नए कोरोना स्ट्रेन का खतरा जो मंडरा रहा था, ये जाहिर है कि नए साल के पहले एक बुरी खबर है। नया स्ट्रेन जिसका अटैकिंग पावर हम कहें जो बहुत 70% के करीब ज़्यादा आक्रामक बताया जा रहा है पुराने कोरोना से, ज़रूरत है हम सावधानी रखें, एहतियात रखें। तो गाइडलाइंस जो कोरोना को लेकर पहले से जारी की गई है और जिन सुरक्षा और एहतियात का ख्याल हमें रखना है, हमें ज़रूरत है कि हम हमारा और अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि नया स्ट्रेन और भी घातक है। भारत में तेजी से नया स्ट्रेन पैर पसार रहा है, 20 लोगों में नए कोरोना के स्ट्रेन के लक्षण मिले। क्या छत्तीसगढ़ में भी नए कोरोना की एंट्री हो चुकी है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यूके से रायपुर लौटे 2 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि ये नए स्ट्रेन का कोरोना है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सैंपल पुणे भेजे गए। दरअसल यूके से लौटने के बाद राजधानी रायपुर के 9 लोगों ने मोबाइल फोन बंद कर दिया। स्वास्थ्य विभाग उन्हें ट्रेस भी नहीं कर पा रहा। यही नहीं, इनमें से कुछ लोग महाराष्ट्र और अंबिकापुर घूमने चले गए थे। इन लोगों को किसी तरह ट्रेस किया गया और सैंपल लेकर जांच की गई तो 2 लोग पॉजिटिव निकल गए। उनके संपर्क में आए 20 से ज्यादा लोगों की खोजबीन की जा रही है। प्रदेश में इन 2 लोगों को मिलाकर यहाँ से लौटने वालों में 6 लोग पॉजिटिव मिल चुके हैं। राजधानी में 9 दिसंबर के बाद इंग्लैंड से 25 लोग लौटे हैं। इनमें 9 लोगों का सैंपल नहीं मिल पा रहा था। हम रुक करेंगे मोहन तिवारी विशेष संवाददाता का, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। मोहन, जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में भी खतरा तो मंडरा रहा है क्योंकि यूके और ब्रिटेन से खासतौर पे कई लोग लौटे हैं छत्तीसगढ़ में। सरकार की कुछ इस तरह से अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आई है कि नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जो लेबोरेटरी होना चाहिए वो अभी तक मौजूद नहीं है। पुणे भेजना पड़ रहा है सैंपल्स को। क्या है तैयारी विभाग की और क्या है जानकारी आपके पास इस खबर पर? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ जहां वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रही है, वहीं उसकी चिंता इस बात को लेकर से संक्रमण ना फैले और नया जो स्ट्रेन है वो इस तरीके से लोगों को संक्रमित ना करे जिससे यहाँ पर नई चुनौती पैदा हो जाए, और इसीलिए लगातार जो लोग आ रहे हैं उन्हें विशेष निगरानी में रखा जा रहा है। कल भी स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए कि ऐसे लोगों को अलग से रखा जाए। अब तक की जो स्थिति है उसमें बताया जा रहा है कि 9 लोग जिनसे संपर्क नहीं हो पाया था, अब उन सब से संपर्क हो गया है और ऐसे 2 लोग और मिले हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनके सैंपल भी भेजे गए हैं। तो अब पुणे जो सैंपल भेजे गए हैं उनकी संख्या 10 हो गई है। इसके अलावा 60 और सैंपल जो है अन्य लोगों के भेजे गए हैं, तो 70 सैंपल कुल पुणे भेजे गए हैं जो इस आशंका और इस तरह से संदिग्ध हैं कि उनमें कहीं ना कहीं जो कोरोना ब्रिटेन में पाया जा रहा है, नया स्ट्रेन जो आया है उससे संबंधित हो सकता है। तो 70 लोगों के सैंपल पुणे भेजे गए हैं जिसमें 10 लोगों के सैंपल ऐसे हैं जो कि ब्रिटेन से आने वाले हैं। बाकी लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है क्योंकि यहाँ आने वालों की संख्या 91 है, यानी करीब 100 के आसपास लोग ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। तो विशेष निगरानी और सतर्कता की छत्तीसगढ़ को ज़रूरत बनी हुई है और इसीलिए ऐसे सैंपलों के रिपोर्ट आने का अब इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट भेजने में यानी सैंपल भेजने में ही काफ़ी देरी हो गई थी क्योंकि आवश्यक जो संसाधन है खास तौर पर आइस बॉक्स जो होना चाहिए ड्राई आइस बॉक्स वो नहीं था यहाँ पर, और इसीलिए 3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ लेट चल रहा है। लेकिन सारे सैंपल अब भेज दिए गए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आज कल में ये जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी और इस रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो लोग ब्रिटेन से आए थे वो कितने संदिग्ध हैं या कितने पॉजिटिव हैं। जी, लेकिन साफ जाहिर है कि जब तक सैंपल नहीं आ जाते मोहन, ये खतरा लगातार छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।